डेली सोप्स की जो है दुनिया वो बड़ी निराली है और उसका अलग ही फैन बेस है, क्योंकि यहाँ जो कहानी है इसमें इतने प्लॉट में ट्विस्ट और टर्न्स होते हैं जितने हमारी पहाड़ की सड़कों में भी नहीं होते हैं। और आज इस इंडस्ट्री के दो बड़े ही मजेदार लोगों को यहाँ पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स में एज गेस्ट इन्वाइट किया गया है। एक तो है बोधी ट्री मल्टीमीडिया प्रोडक्शन के को-फाउंडर एंड जाने माने प्रोड्यूसर हमारे साथ सुकेश मोटवानी, और एक है रिनाउंड राइटर स्क्रीन राइटर भावना व्यास, जो के अपने नए शो दंगल टीवी पे जो आ रहा है गुड़िया रानी, उसके बारे में बात करेंगे। एंड ऑफ कोर्स जितनी कहानियां इन दोनों ने साथ में बनाई हैं या अलग अलग भी बनाई हैं उनके बारे में भी हम इनसे पूछेंगे। बट सबसे पहले सुकेश एंड भावना, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे प्लेटफॉर्म पे। थैंक थैंक यू सो मच. थैंक यू। यू. और मुझे अगर सीटी बजानी आती तो टीवी ऑडियंस की तरफ से मैं थोड़ा सी टीवी टी बजाती, बट आप ताली से काम चलाओ। एंड अ थैंक यू फॉर क्रिएटिंग अमेजिंग कॉन्टेंट ऑन टीवी फॉर अस। थैंक यू सो मच. थैंक यू. सो स्वीट ऑफ यू. तो सुकेश, पहले आपसे जानना चाहूंगी कि जो सीरियल आया है अपना ये गुड़िया रानी, रिस्पॉन्स, इनिशियल रिस्पॉन्स कैसा मिल रहा है? बहुत बहुत अच्छा है, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि आप इन शोज का जब कहानी बहुत अच्छी होती है और फिर आप उसके बाद व्हेन यू आर टेकिंग दैट स्टोरी टू स्क्रीन, तो आप इंतजार कर रहे होते हैं कि वो जो एक जादू आप अपने लिए, मतलब पहले तो हम अपने लिए वेट करते हैं, फिर ऑडियंसेस का भी रिस्पॉन्स चेक करते हैं. तो पहला हफ्ता बहुत अर्ली भी होता है, लेकिन आपको एक इंडिकेशन मिल जाता है कि भाई आपकी जो ऑनसेम्बल है, जो आपने पात्र सारे कैरेक्टर खड़े किए हैं, और जिस तरह की कास्टिंग हुई हो, जिस तरह की डायरेक्शन हुई हो, क्या उससे वो जो जो भावना का विजन है या जो वो सोच रही थी कि भाई इस कहानी में ये चीजें निकल कर आनी चाहिए, ये दर्द, ये प्यार, ये यू नो, ये बच्चों का जो भी एक, क्योंकि बच्चों की लेकर कहानी है, तो वो सारी चीजें आई थिंक हम लोग ऑलमोस्ट बैंग ऑन हैं, ऐसा राइट। लगता है. तो डायरेक्टर राइटर साहिबा से एक बार पूछ लेते हैं कि भाई जो विजन था आपका, जैसे जी कि सुकेश ने कहा, वो दिख रहा है आपको जी पर्दे पर, छोटे पर्दे पर उतरता हुआ? नहीं, बिल्कुल दिख रहा है. और पूरी टीम के साथ जब आप इतना डिस्कशन करते हो, इतना जुड़ते हो, तो वो पूरी टीम, फिर वो विजन सबका हो जाता है. वो एवरीबडी फॉलोज द सेम थिंग. आपका अकेले का नहीं होता, देन सबका एक कंट्रीब्यूशन आता है और वो एक अलग लेवल पे जाने लगता है, डेफिनेटली. राइट। सो आप हैप्पी सो हो दोनों यस, अभी जो इनिशियल रिस्पॉन्स आ रहा है उससे? डर लग रहा है कि और मेहनत करनी है, अभी और मेहनत करनी अच्छा पड़ेगी. डेली आज, सोप्स में ये चीज चलती ही रहती है ना. मतलब हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है पहला ये पड़ाव हो गया, बस आपके या लिए, इसके बाद तो उसके बाद चक्की चालू चलते हो हैं. जाती है। हाँ राइट। अभी 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 तो पिक्चर बाकी है, हाँ शुरू हुई हमेशा दिल है, हमेशा अभी पिक्चर. तो शुरू हुई है। अच्छा, आज सवाल ना मैं एज ए जर्नलिस्ट तो आपसे ऑफकोर्स पूछूंगी, लेकिन बड़ा ही क्यूरियस एक टीवी ऑडियंस की तरह भी पूछूंगी। बचपन से जो इस इडियट बॉक्स के सामने बैठ के बड़ी ही तल्लीनता से सीरियल्स को देखते आए हैं, बहुत सारे सवाल जहन में होते हैं, जिनमें से एक भावना आपके लिए पूछूंगी कि जी हम लोग ना बड़ा जब टीवी देखते हैं, सीरियल देखते हैं, तो एज ऑडियंस बड़ा जुड़ जाते हैं और हम भी कलाकार बन जाते हैं, या कभी हम कहानीकार बन जाते हैं और हम अपनी एक स्क्रिप्ट बनाने लगते हैं, और जब ऐसा नहीं होता फिर हमको बड़ी चिढ़ हो जाती है, ऐसा क्यों नहीं हुआ इसमें, ये बार बार पिटती क्यों रह रही है, ये लड़की को माती क्यों मिलती रह रही है, अरे ये इसको पता क्यों नहीं चल रहा है ये आदमी खराब है। तो एज ए राइटर आपके लिए कितना चैलेंजिंग होता होगा यार, कि वो एपिसोड दर एपिसोड आपने कहानी लिखनी है और उसको इंटरेस्टिंग भी बनाना है। बेसिकली एक्सपेक्टेशंस आप रखोगे तो वो आपको डर देंगी, वो वाला हाल है. तो आप सीरियल में भी रखते हो, क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल अगर 50 लोग देख रहे हैं, तो राइटर तो एक कहानी बोल रहा है, उसमें से कम होता ना कि 25 लोगों को दुखी होगा, 10 लोग गाली देंगे और 10 लोग खुश होंगे. तो वो हमेशा रहता है और हर एपिसोड के साथ होता है. कुछ भी एक सीन भी कुछ आता है तो घर से एक अपने घर से शुरू हो जाता है, तूने वो क्यों लिखा, मेरे को तो ऐसा नहीं चाहिए था. तो वो घर से सबसे पहले फोन आते हैं, ये तुमने सही नहीं किया. तो बेचारा राइटर सोचता, अरे एक्सपेक्टेशंस यार आप, हाँ मतलब आप 100 मिलियन लोगों के लिए कहानी नहीं, आप एक कहानी लिखोगे, उससे सबके लिए सोचोगे कि ये लोग कहीं ना कहीं जुड़े हैं. आप सबके खुशी, सबको खुश रखने के लिए आप कहानी नहीं लिख सकते हो. पर हाँ, लेकिन अच्छा है, रिएक्शन आता है तो पता है कि कम से कम लोग जुड़े हुए हैं, एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं, क्योंकि प्यार है. एक्सपेक्टेशन राइट, भी वही होती है जहाँ प्यार होता है, तो हम बिल्कुल उसको उस तरह से लेते हैं कि गाली भी पड़ रही है तो प्यार में पड़ रही है. सो ठीक बिल्कुल। है. और टेकिंग दैट फॉरवर्ड जो भावना ने कहा सुकेश, एज अ प्रोड्यूसर, एज अ क्रिएटर, क्योंकि आज की अगर हम बात करें, पहले के जमाने में हमारे पास अपॉर्चुनिटीज कम थी या ऑप्शंस कम थे, हमारे पास टीवी में जो दिखाया जाता था हम वो देखते थे, पसंद आए ना आए हम देखते थे, हमारे पास ऑप्शंस नहीं थे। बट टुडे देयर इज नो डर्थ ऑफ ऑप्शंस, ऐसे में
टीवी के लिए कंटेंट बनाना, वो भी ऐसा कंटेंट बनाना जो कि एट पावर और इवन बेटर हो विद अदर प्लेटफॉर्म्स, वो कितना चैलेंजिंग है। देखिए वो हम ऑब्वियसली अटेंशन स्पैन अगर व्यूअर का घट रहा है और उसके पास इतनी चीजें हैं जाने के लिए, सोशल मीडिया भी है और ये, तो वो तो चैलेंज बहुत बढ़ गया है अनडाउटेडली सबके लिए टीवी में। लेकिन मैं एक और चीज जो मुझे इंटरेस्टिंग लगती है और जो हम अक्सर बात करते हैं अंदरूनी तौर पे भी, कि अगर हमारा टीवी में जो इमोशनल जो मतलब जो रेजोनेंस जिसको कहते हैं हम, इमोशन जो, क्योंकि कॉन्वर्सेशंस टीवी इस पे डिपेंडेंट है कि भाई क्या आपके पात्र हैं, क्या उनकी अंडरडॉग की कहानी है, परिवार साथ में बैठ के देखता है, तो कुछ क्वालिटीज हैं टीवी की जो अभी भी कोई आप ओटीटी या सोशल मीडिया इनके साथ कंपेयर, मतलब ठीक है थोड़ा बहुत एक अजीब सा कंपटीशन तो है इन मीडियम्स में, और कुछ ऐसा लगता है कभी कभी कि यंग लोग नहीं आ रहे हैं टीवी पे, तो ये कुछ कुछ चीजें हैं, और वो हम हर इंसान वो उस तरह की स्टोरी टेलिंग को या अपने बिजनेस मॉडल्स को एक एक चर्न तो होता रहेगा ये इस प्रकार के, लेकिन हम अपनी तरफ से जो कहानियां सुना सकते हैं और जो अच्छे कैरेक्टर्स क्रिएट कर सकते हैं, दैट चैलेंज एंड हाउ टू टेल इट इन अ मैनर कि भाई वो उसका एक रिदम भी बना रहे और वो पात्र की जो जो भी उतार चढ़ाव है वो पकड़ के रखें व्यूअर को, बिल्कुल ये बिल्कुल। ऑब्वियसली दैट कंटिन्यूज। और ये मुझे ना बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, क्योंकि एक तो टीवी की जो कहानियां होती हैं उसमें कैरेक्टर्स इतने सारे होते हैं। पहले तो वो लीड जो अपनी प्रोटैगनिस्ट होती है वो एक औरत होती है, महिला प्रधान हमारा टीवी है, विच आई रियली अप्रिशिएट, बड़ा अच्छा लगता है मुझे ये। अच्छा, फिर इतने कैरेक्टर्स होते हैं उनके साथ ना, उनकी कहानियों के साथ, थोड़ा जैसे अगर मैं हफ्ता भर ना देखूं और मेरी मम्मी देख रही है, फिर मैं उनसे पूछना पड़ता है, अरे ये क्या हुआ अभी, ये कहानी ये कैसे बदल गई, यहाँ ऐसा कैसे हो गया। सो यू हैव टू रियली बी इन्वॉल्व विद दोज कैरेक्टर्स। भावना, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, मुझे ऐसा लगता है एज अ जी टीवी सोप व्यूअर कि कहानी आपके लिए रोज नहीं लिखना ऐसा हो गया जैसे आप सेम खाना रोज परोस रहे हो, लेकिन उसमें अभी क्या जायका डाला जाए कि घर वाले कहें अरे वाह क्या खाना बनाया है। जी एग्जैक्टली यही डायलॉग है जो हम अपनी तसल्ली के लिए भी खुद को मारते हैं कि आप माँ हो जैसे हो। बच्चा बोलता है मैं टिंडा नहीं खाऊंगा, अब हाँ आपको टिंडा पिज्जा में डालना है, समोसे में डालना है, पराठे में डालना है, वो माँ का रोज का काम है। सो हमारे लिए ये टिंडा है और हमें टिंडा बेस्ट वे में परोसना है, ये एक फैक्ट है। क्योंकि कहानियां और इमोशंस, देखो आप माँ की कहानी है तो 6 माँओं की कहानी अगर चल रही है तो कहीं ना कहीं सिमिलैरिटी है, लेकिन आप उसमें क्या नया दिखा सकते हो, क्या नया इमोशन पकड़ सकते हो, क्या नई नई इशू क्रिएट कर सकते हो, या एक नया जिंदगी का एक पहलू जो टीवी पे नहीं दिखाया है। बहुत सारी रियल लाइफ सिचुएशन होती है जो ड्रामा में निकल जाती है और हम नहीं देखते हैं, लेकिन हम वो कैसे दिखा सकते हैं। तो वो वही है, टिंडे और मम्मी वाला काम है कि बस बनाते जाओ और जितना इनोवेटिव हो सको होते जाओ। खाना तो खिलाना है बच्चे को, अब ऐसे खिलाओ चाहे ऐसे खिलाओ बिल्कुल। बट वो यार एक ऐसे में एफर्ट तो है। सुकेश और भावना दोनों ही से ये क्वेश्चन है, क्योंकि पहले बिजनेसमैन लेटर, लेकिन आई थिंक पहले आपको इस इंडस्ट्री में आपका पैशन इस काम के लिए लेकर आया होगा। आप अच्छी कहानियां कह सकते थे और अच्छी कहानियां लोगों तक पहुंचाना चाहते थे। मैं मान के चल रही हूं ऐसा कि शायद इसीलिए आप इस बिजनेस में आए और फिर ये आपका बिजनेस बना। तो मनी पार्ट असाइड, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज टीआरपी की भी रेस है, और बहुत बार ऐसा होता है कि कहानी हम देखते हैं अरे इस ट्रैक पर चल रही है, एंड सडनली यू नो एक एक लवेबल कैरेक्टर की डेथ हो जाती है, फिर एक नया एक डुप्लीकेट आ जाता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सो मच कीप्स हैपनिंग। तो एज क्रिएटर्स, बिजनेस को हटाएं, एज क्रिएटर्स जिनका ये पैशन है, ये दुख देता है आपको कि यार कहानी हमने अपने मन में तो ऐसी सोची थी, बट बिकॉज ऑफ टीआरपी वी आर हैविंग टू चेंज इट। भावना, आपसे ही पहले पूछती हूँ। झूठ नहीं कहूंगी, बहुत दुख होता है क्योंकि आप क्रिएटिव, जो मैं अगर मैं तो बिजनेस से जुड़ी भी नहीं हूँ, मतलब मैं एक क्रिएटिव काम करती हूँ जिसके मुझे पैसे मिलते हैं, सो आई एम नॉट अ बिजनेस पर्सन। लेकिन जब आप क्रिएटिवली इन्वॉल्व होते हो, दिन रात आप एक चीज सोचते हो और बहुत पैशन के साथ क्रिएट करते हो, अगर वो किसी भी एक्स वाई जेड वजह, इट कैन बी रैंडम थिंग, उसकी वजह से भी जाता है सिर्फ टीआरपी नहीं, थोड़ा दुख होता है। लेकिन क्योंकि आप मतलब वो, अगेन मैं घर का एग्जाम्पल देती हूँ कि घर में अगर एक मिडिल क्लास फैमिली है और एक सैलरी है और वो 28 तारीख को खत्म हो रही है, आपको घर चलाना है, आप उसमें एक शिकायत नहीं कर सकते, आप उसमें दिल दुखा के नहीं बैठ सकते, आपको अपना घर चलाना है, 1 तारीख तक आपको मैनेज करना है। सो हमारे लिए वो टीआरपी गेम उतना ही है कि ठीक है ये हम चाह रहे थे, नहीं हुआ, थोड़ा है, थोड़ी की जरूरत जो है आगे कर लेंगे, बिल्कुल
कुछ और कर लेंगे, तो वो वही है रियल लाइफ में जो आप करते हो वही हम टीवी में करते हैं, कि बुरा लगता है लेकिन आप यू जस्ट सी द गुड पार्ट एंड मूव ऑन, कि कोई राइट, बात नहीं कभी और इसको किसी और तरीके से करेंगे या किसी और शो में करेंगे, बिल्कुल बिल्कुल अदरवाइज आप सिर्फ सल करोगे, आप क्रिएटिव काम में अटक जाओगे, और टीवी तो हमें सल करने का भी टाइम नहीं देता है, अगला टेलीकास्ट निकालना है करेक्ट करेक्ट, तो मतलब बहुत वो फास्ट हाँ मूविंग इंडस्ट्री है ऐसे में। सुकेश, अभी क्वेश्चन आपकी तरफ शिफ्ट करती हूँ, क्योंकि भावना ने जैसे कहा वो एक क्रिएटिव काम करती हैं, उसकी वो एक मेहनताना लेती हैं, बट आप बिजनेस पार्ट से भी जुड़े हुए हैं ना। आप ये नहीं कह सकते मैं आज से को-फाउंडर नहीं हुई, मैं तो सिर्फ क्रिएटर बन के रहूंगा। यू यू कांट जस्ट डू दैट। तो ऐसे में ये कितनी टीस आपको देता है कि यार हमने जिस कॉन्सेप्ट को सोच के एक चीज बनाई थी, आज वो ऐसा होता होगा, हुआ है कि कोई ऐसा सीरियल था कि सोच कुछ और थी उसकी बट फिर कोई और राह निकल गई? नहीं, वो अक्सर से बहुत बार होता है इनफैक्ट, और बहुत बार नहीं, मतलब कुछ बार नहीं भी हुआ है। बट मतलब मेरे को इतना कहना है सिर्फ कि देखिए, साइंस और इंट्यूशन का ये बहुत अजीब सा मेल है, बिकॉज अगर आप एक लॉन्ग फॉर्मेट करने जाएंगे तो आपको थोड़ा बहुत, और सबसे बड़ी चीज है कि आपको खुद ये भी जज करते रहना पड़ता है हमें हमेशा, और इसका कोई जवाब नहीं है, ऑनेस्टली कोई आसान जवाब नहीं है कि भाई अगर हम बहुत लंबे अरसे तक किसी कैरेक्टर के उतार चढ़ाव देखते हैं तो कई बार आपको ऐसी फीलिंग आती है, व्यूअर से ही फीडबैक आता है कि अब इसको आप ये जीवन में ये ग्रैटिफिकेशन दे दीजिए, या ये, या आप इसको और ट्रेजेडी दीजिए, कई बार ये भी आता है। तो आप अपने विजन को कई बार, आपको जो कलेक्टिव ऑडियंस फीडबैक आता है, या कई बार ये भी होता है कि ब्रॉडकास्टर जो है वो भी तय करता है ये चीजें, क्योंकि उनको रिसर्च वो कराते रहते हैं, तो उनका भी एक एक सब्जेक्टिव कह लीजिए या ऑब्जेक्टिव, दोनों तरीके के उनके फीडबैक आते हैं। तो ऑब्वियसली टीवी, देखिए कोई भी प्रोफेशन, टीवी हो या सिनेमा, उसमें हार्ट ब्रेक का बहुत बड़ा उसकी जगह होती है। जीवन में तो होती ही है, लेकिन टीवी में भी होती है और सिनेमा में भी होती है और वेब में भी होती है, तो उसको हमें इंटीग्रेट करते रहना पड़ता है। और ऑनेस्टली मैं इस चीज को पैसे से नहीं जोड़ता हूँ, क्योंकि पैसा ऑनेस्टली कई बार ऐसे भी होता है कि आपका प्रोडक्ट अगर चल गया, आपकी कहानी अगर चल गई और उसमें पैशन है, थोड़ा बहुत साइंस अप्लाई हो रहा है लेकिन पैशन अगर ज्यादा है या कन्विक्शन ज्यादा है, जो कि अक्सर होता भी है, और कई बार ऐसा भी होता है कि उल्टा हावी हो जाता है, आपका पूरा साइंटिफिक टेलिंग हो जाती है, तो आइदर वेज पैसा फॉलोज कन्विक्शन मेनी टाइम्स। आई मीन इन द सेंस कि अगर इंट्यूशन और कन्विक्शन वर्क हुआ है किसी कहानी में तो फिर अपने आप ही उसकी रेटिंग आती है। कई करेक्ट बार हम उल्टा करते हैं कि हम रेटिंग के चक्कर में पहले कोई साइंटिफिक दाव खेल लेते हैं, बहुत ही चीप सी चीज करते हैं जो गिमिकी होती है, और वो उल्टी भी, हाँ, और हम पर वो कितनी बार भारी भी पड़ी है। तो करेक्ट हमारे लिए हर बार एक नया, एक इट्स अ न्यू चैलेंज। आई मीन देयर इज नोबडी हु कैन से कि मेरा एक, ऑफ कोर्स हम ये थोड़े बहुत लाइन एक दूसरे को, मैं और भावना एक दूसरे को बोल सकते हैं कि हमारा एक्सपीरियंस ये कहता है कि चैनल बोल, ये सही बोल रहा है गलत बोल रहा है, हम इतना तो एक दूसरे को भी कम काउंटर करते हैं, लेकिन वो बहुत वैसे होना, मतलब बहुत आपको इवेंचुअली इसमें सेंसिटिविटी बहुत लानी पड़ती है, बिकॉज देर आर 4 5 आर्टिस्ट वर्किंग टुगेदर, बट द लास्ट कॉल आइडियली शुड ऑलवेज बी टेकन बाय द मेन आर्टिस्ट, दैट इज द राइट। सो आई ऑलवेज होप कि वैसा माहौल बने। ना शिफ्टिंग टू द राइटर, ये क्वेश्चन अब मैं भावना आपकी तरफ शिफ्ट करती हूँ। ऐसे में ये कितना चैलेंजिंग हो जाता है, एक तो जैसे इतनी बातें जो सुकेश ने बोली बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें, बट मैं सिर्फ अगर क्रिएटिव, क्योंकि एक राइटर का दिमाग सिर्फ क्रिएटिव होता है, वो पहले नहीं सोचेगा यार मैं कुछ ऐसा बनाऊं जिससे पैसे बन जाए, आप दिल से एक कहानी लिखते हो जो इस इरादे से लिखते हो कि दिल तक पहुंच जाए, राइट? तो कंज्यूमर ट्रेंड जो है उसको आप अपने लिखते वक्त कितना अहमियत देते हो? कंज्यूमर ट्रेंड ऐसी चीज है जो हम लोगों को अगर बताई जाती है कि ये एक एक्स वाई जेड चीज है, ये चला नहीं चला, जो भी हमारे पास डेटा आता है हम उसको निगेट नहीं करते, ये नहीं बोलते ये तो बकवास है, हम उसको पढ़ते हैं, अगर हमें लगता है कि इससे हमारी कहानी में कुछ और अच्छा हो सकता है, कितने बार ऐसा होता है कि लगता है नहीं यार ये करेंगे तो और कहानी ही अच्छी हो रही है, और कई बार ऐसा लगता है कि नहीं यार ये डेटा में कुछ प्रॉब्लम है, तो वो जो सर कह रहे ना आप इसका कोई आंसर नहीं है, समटाइम्स आप अगर देखेंगे कि दो शो बिल्कुल एक से है, एक चलता है एक नहीं चलता है, फॉरगेट द आर्टिस्ट फॉरगेट द स्टार कुछ कुछ नहीं, बस वो समाव नहीं चलता है, तो हाँ कई बार आपका वो जो एक वो जो क्रिएटिव इंट्यूशन है, ठीक
ये करेंगे तो चलो करके देख लेते, जो होगा देखा जाएगा। वो रिस्क, वो इंट्यूशन और वो एफर्ट, कलेक्टिव टीम एफर्ट, उतना ही खेल है आप डेटा। लेकिन हाँ, आज के जमाने में डेटा इंपॉर्टेंट है, आप उसे देखो पढ़ो, लगता है कुछ कर सकते हो तो क्यों नहीं, आपको एक सपोर्ट ही मिल रहा है। लेकिन अगर आपका दिल कह रहा है ना कि नहीं बॉस ये मेरी कहानी या मेरा ये ट्रैक सही है और ये कुछ गड़बड़ है, खेल लो, टीवी है, एक बार रिस्क लो, नहीं जमेगा फिर से ट्राई करोगे, 10 एपिसोड बिल्कुल फिर से ट्राई करोगे, बिल्कुल। सीख लोगे अगले बार ये गलती नहीं एंड यू नो, करनी। आपका ये जो पॉइंट है, ये मुझे ऐसा लगता है सुकेश का जो प्रोडक्शन हाउस है, जिस तरह का कंटेंट इनकी तरफ से आया है, ये रिस्क टेकर्स वाला कंटेंट आया है कि भाई हम बनाएंगे दिल से वाला कंटेंट ऑलवेज और चल गया, हम दिल से बना रहे हैं इस उम्मीद से कि दिल तक पहुंचेगा, और ये रिस्क टेकिंग वाला है। बट सुकेश, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, अगर हम टेलीविजन कंटेंट की बात करें, कई बार लोगों से कहते हैं रिग्रेसिव है, कई बार कहते हैं कि अभी उतना नहीं इवॉल्व हुआ है जितना कि यू नो इमिडिएटली ओटीटी हो गया है या बाकी प्लेटफॉर्म्स हो गए हैं। ऐसे में एज अ प्रोडक्शन हाउस जो लीक से हटके रिस्क लेके काम कर रहा है, आपके ओपिनियन में व्हाट इज स्टॉपिंग द अदर्स? इट्स नॉट, सी एक्चुअली स्पीकिंग नथिंग इज स्टॉपिंग द अदर्स। मैं इतना ही कहूंगा कि हम ना ये चीजों में थोड़ा सा, आई एम अ फिलोसॉफिकल पर्सन, कि भाई जिसमें आपकी रुचि है, आपका डीएनए है, अगर वो चीजें कई बार अगर आप नहीं भी करना चाहते वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होती है। मतलब जैसे अगर मैं सोचूं भी कि मुझे प्योर सास बहू या प्योर उस टाइप का ड्रामा करना है, किचन पॉलिटिक्स वाला, तो वो कई बार मैं बहुत कोशिश करता हूँ लेकिन वो उस तरह का कंटेंट ही मेरी तरफ से वो मेरे को कोई देगा नहीं। शायद उस तरह का पारिवारिक ड्रामा देंगे लेकिन एकदम, तो अक्सर बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। ब्रॉडकास्टर्स की भी समझ होती है कि भाई इनको ऐसा देंगे, ये सुकेश की कंपनी को ऐसी स्टोरी देंगे, सुकेश मौतिक की, इनकी, तो वो भी रहता है। और दूसरा, आई थिंक जो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, वो पिछले सवाल में मैं उसका जवाब देना चाहता हूँ, पिछले जो कि हम जब भावना ने बोला कि हम एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, डेटा लेते हैं, और एक ही सीरियल कई बार एक ही मुद्दे के साथ चलता है, दूसरा नहीं चलता है, तो इसमें बहुत बड़ा एक जो कास्टिंग और एग्जीक्यूशन या ट्रीटमेंट जो है ना, वो बहुत बहुत क्रूशल होती है। कि कई बार अगर आपकी कास्टिंग में उतना किसी वजह से वो एक्टर पूरी मेहनत कर रहे हैं लेकिन वो जो सारे कैरेक्टर जब एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं, कुछ ऑनसॉम्बल्स में जादू होता है और कुछ ऑनसॉम्बल्स में जादू नहीं होता, जी और इसको प्रिडिक्ट कर पाना कोई भी नहीं कर सकता। राइट मतलब अगर आज मैं एक राइटर ले रहा हूँ, एक डायरेक्टर ले रहा हूँ और सारे एक्टरों को इकट्ठा कर रहा हूँ, उसमें मुझे मैजिक ढूंढना है लेकिन बहुत ह्यूमिलिटी के साथ कोशिश करनी है कि वो सब साथ में जुड़ के आए तो शायद जादू बन जाए। तो बिल्कुल बिल्कुल वो जादू कहाँ बनता है और कहाँ नहीं बनता है, उसका वो एक इंटेंजिबल क्वेश्चन बिल्कुल। है। बट एंड इसीलिए हम, बाय हाँ एंड लार्ज अगर और देखा जाए तो आपका प्रोडक्शन हाउस और भावना ने जो कहानियां लिखी हैं, वो जादू कहीं ना कहीं बुन रहे हैं, हमारे दिलों तक पहुंच रहे हैं, और तभी एक रेलेवेंस आप लोगों की इतने समय से बनी हुई है। बट अब ये सवाल दोनों से ही है, सुकेश आप ही पहले जवाब दे दीजिए, और किस तरह की कहानियां हैं जो हम तक पहुंचाना चाहते हैं? नहीं, ऑब्वियसली बहुत बहुत किस्म की कहानियां हैं। और टेलीविजन में एक चीज इंटरेस्टिंग है कि वो औरत प्रधान है लेकिन कई बार मेरी इच्छा होती है कि अर्बन औरतें, जो सहेलियां, जो रोज वर्किंग क्लास की औरतें, जो बहुत ऐसे बहुत से मुद्दे हैं। थोड़ा सा मुझे मिस्टिकल चीजों का, सुपरनेचुरल चीजों का भी शौक है लेकिन अच्छे तरीके से दिखाना, गिमिकी गंदे तरीके से सुपरनेचुरल चीजों को नहीं, रियल तरीके से पेश कर पाना कि जहाँ पे मिस्ट। और थोड़ा सा ये भी रहता है मुझे कि औरतों को और कौन से जीवन की जो और उनके मतलब और भी पहलू, जैसे कोई औरत कभी अडल्ट्री नहीं करेगी तो क्या कभी टीवी दिखाएगा उसको, तो किस तरह से दिखाएगा आज के समाज में, या औरत एक चॉइस करती है जो थोड़ी रेडिकल है, तो मेरी इच्छाएं उस तरफ ज्यादा जाती है, बिल्कुल। और उस भावना, तरफ कुछ आप, होता है। मेरे तो चारों तरफ ऑक्टोपस के पैर फैले हैं, एक लव स्टोरी करना है, एक ये करना है, एक वो करना है, तो वो राइटर वाले की सब चीजें आपको, एक होता है ना कि सब आना चाहिए, सब करना चाहिए, सब करने की कोशिश है, तो मेरे तो सारे सारे वो खुले हुए कि यहाँ मौका मिल तो ये पिच करूँ, वहां मौका मिल तो वो बनाऊ, तो वो हाँ तो अनएंडिंग एम्बिशन है वो।
बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत एक सारी काम कहानियां बची करिएगा है ना, कहने इंटरव्यू के के लिए। बाद आप और सुकेश जी एक बार फिर से एक मीटिंग कर लीजिएगा, आप अपने आइडियाज पिच कर लीजिए, क्योंकि फायदा वो हो अल्टीमेटली टीवी चुके ऑडियंस का होगा, हमें और अमेजिंग हैं और प्रोग्रेसिव कंटेंट टीवी पर देखने के लिए मिलेगा। सो जाते जाते, अभी तक अगर ऑसम। दंगल पे ये शो नहीं देखा है गुड़िया रानी, तो एक सेंटेंस में आपके दिल से लिखे शो को अगर भावना आपने सम अप करना हो, सुकेश आपके लिए भी ये क्वेश्चन होगा, तो क्या कहेंगी कि हम देखें बस ये शो? ये अगर एक ही वर्ड में सम अप करना है तो जुझारूपना, जो एक शब्द होता है जुझारू, ये एक जुझारूपने की कहानी है। बिकॉज रियल लाइफ में कोई भी हो, आप, मैं, सर, हम लोग किसी भी जगह होंगे, हम एक फाइट चालू रहती है। बिल्कुल हमारे घर पे नल खराब हो जाए तो वो प्लम्बर की फाइट चालू से लेके बॉस के साथ लड़ाई, प्रमोशन, हमारी फाइट्स खत्म नहीं होती हैं। और बिल्कुल हम सब लड़ते रहते हैं, हम रियलाइज नहीं करते कि हम कितने बड़े सुपर हीरोज हैं अपनी छोटी सी जिंदगी में, अपनी छोटी सी कहानी में। तो यहाँ पर अगर वन वर्ड है तो जुझारू एक लड़की की कहानी है जो आपको इंस्पायर करेगी और आपको ये भी बताएगी कि यू आर द सेम, आप भी वही हो। गिव अ पैट ऑन योर बैक, यू डिजर्व अ क्लैप टू। जो ये लड़की वो कर सकती है तो तुम भी, और तुम भी वो कर रहे हो जो ये कर रही है। बिल्कुल। सो इट इज दैट सुकेश स्टोरी। आप क्या कहेंगे? एक लाइन में कहूंगा तो मेरे को बहुत, एक चीज जो हम सबको छूती है वो ये चीज, या और हमें जिंदगी में वो है, अमीर गरीब का फासला, कि वो जो फासला हमारे समाज में वो बहुत बढ़ता जा रहा है। तो जो एक इस फासले को कम करने के लिए, एक तरफ से समाज को थोड़ा सा बैलेंस करने के लिए, ऐसी कहानियां सुनाना बहुत जरूरी है। कि और स्पेशली जब आप एक अंडरडॉग को एक, और एम्पथी, दूसरी चीज एम्पथी बहुत इम्पोर्टेंट है, कि क्या हम में वो एक, और दया नहीं, दया इज अ गलत वर्ड, मतलब ये वर्ड बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, कि क्या मैं उनके जूतों में खड़े होके जिंदगी को महसूस कर सकता हूँ, जो भुखमरी भी देखते हैं, डिस्क्रिमिनेशन भी देखते हैं, तकलीफें भी देखते हैं। तो वो बहुत जरूरी है मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास को इंट्रोस्पेक्ट करना। करेक्ट। तो और इस मतलब एक चीज, चलिए फिर, दोनों ने जो बातें कही हैं, जिस तरह की कहानियां आप परोसना चाहते हैं हमारे लिए, उस थाली का हम बेसब्री से इंतजार करेंगे उसे एंजॉय करने के लिए, और कैसा जायका इस बार आप डालेंगे वो भी देखने के लिए। सो विशिंग यू ऑल द बेस्ट फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के लिए और गुड़िया रानी की सक्सेस के लिए, एंड थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू मी। थैंक थैंक यू, यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू निधि, थैंक यू, थैंक यू। बाय।